आज मैं आपको इनपुट डिवाइस के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। इनपुट डिवाइस क्या है? द डिवाइस विच आर यूज टू इनपुट एनी इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। का कहने का मतलब है कि द डिवाइस विच आर यूज टू इनपुट एनी इंफॉर्मेशन, वो डिवाइस जिसका उपयोग हम किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी सूचनाओं को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने के लिए करते हैं, उसे ही इनपुट डिवाइस कहते हैं। एग्जांपल में दोस्तों, कीबोर्ड है, माउस है, MICR है, OMR है, OCR है, BCR है, स्कैनर है, ATC। सबसे पहले हम लोग एग्जांपल्स कीबोर्ड के बारे में जानते हैं कि कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड में कौन कौन से फंक्शंस काम करते हैं। कीबोर्ड इज स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड जो है आपको एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। थ्रू दिस we can feed various type of information into the computer. इसके द्वारा हम विभिन्न तरह की सूचनाओं को कंप्यूटर में प्रविष्ट करते हैं। In keyboard, various types of key available to do different type of work. कीबोर्ड में भी विभिन्न तरह के कीज हैं जिसके द्वारा हम विभिन्न तरह के कामों को कर सकते हैं। अब जानते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड के प्रकार। देखिए दोस्तों, मुख्यतः दो तरह का जो है कीबोर्ड होते हैं। पहला है स्टैंडर्ड कीबोर्ड जिसमें आपको 104 कीज मिलेंगे। दूसरा है मल्टीमीडिया कीबोर्ड जिसमें 124 कीज मिलेंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कीज, कीज के प्रकार। तो सबसे पहला है अल्फाबेटिकल की। अल्फाबेटिकल की में क्या है दोस्तों, ए से लेके जेड तक, ये आपका अल्फाबेटिकल की हो गया। दूसरा है दोस्तों न्यूमेरिकल, न्यूमेरिक की, इसमें आपको 0 से 9 तक। नेक्स्ट है फंक्शनल की, इसमें F11 टू F12 तक। और चौथा है आपका एरोस की। एरोस की में आप लेफ्ट राइट अप डाउन आप जो है मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट और आखिरी है दोस्तों स्पेशल की। स्पेशल की में क्या क्या आता है, उसमें आपका टैब हो गया, कैप्स लॉक हो गया, शिफ्ट हो गया, स्पेस हो गया, बैक स्पेस हो गया, विंडोज बटन हो गया, डिलीट बटन हो गया, इंटर बटन हो गया, ETC। आगे मैं आप लोगों को और इसके बारे में इनपुट डिवाइस में क्या क्या, माउस का क्या है, MICR क्या है, OMR क्या है, OCR क्या है, BCR क्या है, स्कैनर क्या है, ये सब तमाम जानकारी आप लोगों को आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। थैंक यू।